वेलकम माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप लोग? काफ़ी टाइम बाद मैं आई हूँ ब्लॉग पे, तो मैंने सोचा कि लाइए मैं आपसे मेरे घर से। मैंने एक दिन पिछले ब्लॉग में डाला था ना कि घर से मेरे कई लोग जा रहे हैं गांव, तो गांव का मैंने वीडियो, कुछ व्यूज़ मैंने आपसे शेयर किया है, मेरे इस ब्लॉग में मैंने डाला है। और प्लीज़ मैं यहीं से बैठे बैठे मैं अपने गाँव का कुछ व्यू आपसे शेयर करूँगी। प्लीज़ देखिएगा और बताइएगा कि कैसा है, किसको किसको गाँव पसंद है, वहाँ की हरियाली, खेती, ये सब चीज़ें मैंने शेयर की है। तो प्लीज़ मेरे ब्लॉग को कंटिन्यू करिएगा, देखिएगा पूरा ब्लॉग, काफ़ी लंबा है इस बार ब्लॉग। और बाकी तो फिर मेरा डेली रूटीन, जो मैं सुबह उठती हूँ, क्या करती हूँ, कैसे मैं बिजी रहती हूँ, तो ये कमेंट में आया था तो मैंने आप लोगों से शेयर किया है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और बहुत शेयर करिए जितना हो सके। और मेरा ब्लॉग यहीं से अच्छा अच्छा प्यारा प्यारा प्यार दीजिए और बढ़े मेरा ब्लॉग, और यहीं से कंटिन्यू होता है। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, ये मेरा गांव है, ये मेरे मतलब हम लोगों की खेती है गांव में, चाचा लोग संभालते हैं। तो वो वहाँ पे हमारे खेत है, इसमें गाजर बोई गई है, जिसके इस गाजर में रोज़ यहाँ पे सुराई होती है, फिर ये मार्केट जाती है, फल होती है, ज़्यादा लोग करवाते हैं, फिर सुंदर ब्यूटी वगैरह अच्छी लगती है। बहुत से लोग जब गाँव आते हैं तो उनको तो बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करने को मिलता है यहाँ पे, क्योंकि वो लोग कहाँ कितनी नहीं सब देखते हैं। तो यही सब है, देखिए ज़्यादा लोग यहाँ पे कैसे लोग गाजर को निकालते हैं ज़मीन से, फिर ये सफाई होती है, धुलाई होती है, फिर ये अच्छी अच्छी साफ सुथरी हमने निकाली है ये, बच्चे भी साथ में आए हैं, हमने मस्ती कर रहे निकाली हैं। है ये, ये देखिए हमने निकाली कितनी गहराई में लगी होती है, किस तरीके से बच्चे इसको निकाल रहे हैं। दूर दूर तक कितनी शांति रहती है और कितना अच्छा लगता है, खासकर ठंडी में तो बहुत अच्छा लगता है। तो ये देखिए हो गई, बच्चे मस्ती मजा करते हुए हेल्प करा रहे हैं, सब बोरी में भर रहे हैं, छांट छांट के कौन गाजर कैसी करते हैं। आज इनका मुंह हो गया, सब आ गए खेत में, मैंने निकाली और ये टूटने वाली है, दिखा दो कितनी बड़ी है। गाजर तो दिखा रहे हैं, देखो ये है मेरे भाई, हेल्प करा रहे हैं चाचा की, कैच लाओ मैं भी कुछ करवा दूँ, थोड़ा बैठा हूँ। तो ये भी अपना गाजर की बगैदा अच्छे से सफाई कर रहे हैं बैठ के। मामा इसमें अंधेरा हो रहा है। तो था मेरा गांव का ब्लॉग, अब यहीं से मेरा डेली ब्लॉग स्टार्ट होता है। ये देखिए, हेलो गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। सुबह के 7 बज रहे हैं और मैं आज दिखाऊंगी कि मेरी सुबह कैसे शुरू होती है। तो मैं अभी जा रही हूँ, चाय बनाऊंगी, उसके बाद सब्जी काटेंगे, खाना की तैयारी होगी। तो मेरे ब्लॉग के साथ कंटिन्यू लगी रहिए, आगे चलते हैं। ये मैंने चाय चलाने जा रही हूँ गैस पे, चाय बनाऊंगी सुबह से, सुबह की चाय है मॉर्निंग की, वगैरह डालूंगी अच्छे से तरफ चलेंगे, सब्जी काटने की तैयारी, आज क्या बनेगा या ये खाएंगी पहले। यार यही तो करते हैं, सबसे पहले चाय मिले उसके बाद ही तैयार नहीं होता, वरना उसको समझ में नहीं आता, सबसे एक कप चाय ज़रूरी होती है। थोड़ा और चलते हैं, मेरी चाय स्टार्ट हो गई है, इसके बाद तक पीती नहीं संभालूंगी।
सुबह सुबह बहुत ठंड है, आप भी इंजॉय करिए मेरे साथ। ये देखिए भाभी उठ गई हैं, सबसे सुबह सुबह राम दरबार के दर्शन करने के बाद ही कुछ आगे काम होगा। पोस्ता दाना के हलवे की तैयारी हो रही है। सुबह सुबह हम लोग सब लोग पोस्ता दाना और ड्राई फ्रूट्स का हलवा बनता है तो सभी लोग खाते हैं। ये बहुत यम्मी और हेल्दी होता है, तो ये मेरा मानना है कि सभी लोग खाया करो ये। और सुबह सुबह ये हेल्दी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं आज के टाइम। हेलो फाइनली मैं नहा के आ गई हूँ, अब मैं जा रही हूँ काम करने, तो मेरा ब्लॉग कंटिन्यू यहीं से रहेगा, चलते हैं। नहाने के बाद अब थोड़ी देर पूजा करूँगी, उसके बाद फिर आगे के काम होंगे। तो पूजा करने जा रही हूँ मैं, फिर उसके बाद खाना वगैरह बनेगा। चल चल। भाभी हेल्प करा रही है, आज वो सब्जी छौंकेंगी, तो चलते देखते क्या बन रहा है। क्या बनाने जा रही हैं आप? हम गोभी आलू की सब्जी बना रहे हैं। आइए, बनाने के बाद अपना और कोई काम करेंगे, तो मक्के की कचौड़ी। और मक्के की कचौड़ी किसको किसको पसंद है बताइएगा, चलते हैं। Thank you.
सुबह बहुत ठंडी रहती है पर बहुत से लोग नहाते नहीं हैं। मैंने तो नहा लिया और ऑलमोस्ट काम भी हो गया। पूड़ी बनाऊंगी तो मैं एक इन्फॉर्मेशन देना चाहती थी। मुझे आप लोगों से ये शेयर करना था कि इस टाइम कोरोना बहुत तेज़ी से फिर से आ चुका है। चाइना में तो बहुत ज़्यादा ही हो गया है और इंडिया में भी आ गया है। तो प्लीज़ पहले की तरह प्रिकॉशन आप जैसे रह रहे थे वैसे ही करिए, क्योंकि कोरोना बहुत लोगों की जान ले चुका था, तो ये तो सभी लोग जानते हैं। तो प्लीज़ आप लोग अपनी प्रोटेक्शन लेना शुरू कर दीजिए, मास्क, सैनिटाइज़र, ये सब वगैरह अलर्ट रहिए, भीड़ भाड़ जगह से भी सावधान रहें। तो इसी अच्छे थॉट के साथ चलते हैं, मेरा ब्लॉग कंटिन्यू होता है। ये पोस्ता दाने का हलवा बन रहा है, थोड़ी देर बनेगा, उसके बाद सुबह सुबह सबको दिया जाएगा नाश्ते में। तो ये नाश्ते की चीज़ें रेडी हो रही हैं। किसी किसी घर ये पोस्ता दाना का हलवा रेगुलर खाया जाता है, अच्छा लगे या ना लगे, पर ये हेल्दी बहुत होता है और टेस्टी भी होता है। बहुत से लोगों को नहीं अच्छा लगता पर मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। ये चलते हैं। ये देखिए मेरी मक्के की कचौड़ी फ्राई होने लगी है, बहुत ही यम्मी क्रिस्पी टेस्टी कचौड़ी किसके किसके घर बनती है। और खासकर मक्के की कचौड़ी बहुत ही यम्मी होती है यार, सब लोग बना के देखो, ट्राई करो, खा के देखो। तो मैं अभी कचौड़ी फिनिश करूँगी सब बनाने के बाद आगे देखते हैं। ये पोच की सफाई हो रही है, गाड़ी वगैरह यहाँ खड़ी होती है तो बहुत गंदा हो जाता है, तो भाभी यहाँ पे धुल रही है। और इसके बाद मैं चलती हूँ अपने काम की तरफ। बाय बाय। बाय बाय तो मैंने बहुत बोल देती हूँ वीडियो में, तो उसको माइंड मत करिएगा। बाय बाय का मतलब है आगे का काम करने जा रही हूँ और बाय बाय तो कहती रहूँगी मैं। नाश्ता हो गया है, अब जा रहे हैं छत पे कपड़े वगैरह डालेंगे। फाइनली सारा काम खत्म हो गया है, मैं अपने रूम में आई हूँ, रूम ठीक करूँगी, उसके बाद नाश्ता वगैरह करना होगा, छत पे जाऊँगी, कपड़े वगैरह डालना है। काम तो कभी ख़त्म ही नहीं होता है यार। तो यही सब डेली रूटीन है तो मैंने आपसे शेयर किया है, और भी अभी करूँगी पूरे दिन का, तो देखते रहिए। कपड़े लेके जा रहे हैं अब हम लोग छत पे डालने। आज काफ़ी लेट हो गया हम लोग को कपड़ा डालने में, वरना रोज़ जल्दी हो जाता था और सूख भी जाते थे कपड़े। अब थोड़ी देर धूप में भी बैठेंगे। आज धूप भी काफ़ी तेज है। ये हमारा फ्लावर पॉट्स वाला एरिया है, यहाँ बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए
ठंडी में कौन कौन छत पे अमरूद खाता है। हम लोग अमरूद खाने आए हैं, थोड़ी देर धूप में बैठेंगे भी। बताओ चिंटू, कैसा लग रहा है अमरूद? क्या ये सब हमारे यहाँ किराएदार के बच्चे हैं, सब रहते हैं हमारे, सब पड़ोसी बच्चे मुन्ने छोटे छोटे। किस स्कूल में पढ़ती हो? कहाँ है तुम्हारा स्कूल बताओ। लंच किया टिफिन का? खाना खा ली? लंच टिफिन पूरी फिनिश कराई थी। ये सब रहते हैं, खुद बोलती है। आप लोग से इससे बात करूंगी, आप लोग सुनिएगा उसकी बातें, बिहारी लैंग्वेज में रहती है, बहुत मस्त बोलती है ये। चलते हैं इससे बात करते। स्कूल में प्रोग्राम होता है? स्कूल में प्रोग्राम होता है? पढ़ाई भी होती है, पिटाई भी होती है। पिटाई भी होती है? तुम पढ़ने में कैसी हो? मैम तुमको प्यार करती है कि क्या करती है? प्यार करती है। अच्छी बच्ची हो। दीदी क्या कर रही है? दीदी खाए खाए पहले खाने में गधा है। कौन? दीदी। दीदी गधा है? तुम अच्छी हो ना? एप्पल का पैर नहीं आती। नहीं आती एप्पल की? अब उसकी पिटाई होगी, पढ़ती उड़ती नहीं है। तुम्हें आती है? सुनाओ मुझे एक बार, सुनाओ एप्पल की। नहीं नहीं। तो तुम भी गोबर हो क्या? हाँ गोबर हो। मुझको आती है। सुनाओ जरा। मुझको टेबल आती है, टेबल नहीं आती है। तुमको टेबल आती है? उसको नहीं आती। कौन सी टेबल आती है? टेबल आती है। सेकंड टू की सुनाओ। टू अंडर टू 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 जा खोल। एक बंदर वो आई है, कह रही है दीदी गोबर एप्पल की स्पेलिंग नहीं आती तुमको। एप्पल की स्पेलिंग नहीं आती? हाँ सुनाओ सुनाओ सुनाओ। अरे दीदी तो तेज है, तुम सुनाओ। अच्छा इसको क्या नहीं आता है? जो तुमको कह रही है कुछ नहीं आता, तू का आता है। सुना जरा। तू जे तू तू जे तू तू छी छी तू फोर जे फोर हाँ तू फोर जे फोर तुमको नहीं आता बिल्कुल। तू का ऐसे या तू फोर जे एट तू फाइव जे टेन तू फाइव जे टेन तू सिक्स जे ट्वेल्व तुमको टू की भी नहीं आती है ना? इनको बस अमरूद खाना आता है और बातें करनी आती है ना? इतनी क्यूट क्यूट बातें करती है। दोनों एक संतरे के लिए लड़ रही हैं, वो कह रही है मुझे दो, वो कह रही है मुझे दो। दोनों की क्यूट फाइटिंग देखी है, बहुत मजा आता है देखने में। वो लेके इधर आ गई, वो डांट रही है मेरी पेंसिल। ये बहुत तुमको नहीं दे रही है क्या संतरा? देखें क्या बनाई थी। हाँ क्रिसमस ट्री बना के लेके जाना स्कूल। लो अमरूद ले लो। दीदी को दे दो, तुम तो खाई हो ना, दो हट जाओ। अब तुम दोनों मम्मी आ गई हैं बच्चों की। खिड़की भी नहीं है ना? हाँ इतना पैक कर दिए हैं। दो दरवाजा है, दोनों पैक कर दिया है। अभी तो शीशा उसा लग गया ना बाहर से। अरे दीदी मेरे खिलाने में दो शीशा दो दरवाजा होता है ना? सुनो झाड़ू सा रहे थे पूरी क्लास
चढ़ गई है। पूरी दीवार बन गई, एक के ऊपर एक के लग गए। सामने से खड़े हैं उसके ऊपर एक लग गया, एक लग गया, एक दीवार बन गए। अच्छा ये लोग अपने स्कूल का डिस्कशन कर रही हैं कि मेरा क्लास छोटा है, तेरा बड़ा है, धूप नहीं आती, यही तो अपनी मम्मा को बता रही हूँ। इतनी शैतानियाँ करती हैं कि मम्मा तो परेशान हो गई हैं, दोनों को डांट रही हैं, तुम चुप हो जाओ। हेलो गाइस, फाइनली दोपहर के 2:30 बज गए हैं। अब हम थोड़ी देर रेस्ट करेंगे और नाश्ता वगैरह हो गया, धूप भी ले लिए हैं, तो शाम को जो भी करेंगे तो वो हम कंटिन्यू यहाँ से करेंगे। तो थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, आप लोग भी करिए। तो शाम के 4 बज गए हैं, चाय वगैरह हम लोगों ने पी लिया, नाश्ता कर लिया है। अब भाभी लाई की नमकीन बनाएंगी, तो मैं जा रही हूँ करी पत्ता लेने, तो चलते हैं शाम। करी पत्ता लेने आए हैं हम, फिर लाई की नमकीन बनेगी। ज़्यादा तो नहीं बची है, थोड़ी बहुत है, ले लेते हैं। गर्मियों में ये पेड़ ना खूब हरा भरा रहता है और ठंडी में जैसे झर जाता है। ये मैंने ले ली है, तो ये नमकीन की तैयारी हो रही है। देखिए अभी नमकीन टेस्टी सी बनेगी। शाम हो गई है तो आज खाना तो थोड़ा ही बहुत बनेगा, तो अब हम लोग जा रहे हैं रसगुल्ला बनाने। टेस्टी टेस्टी, किसको किसको पसंद है देखते हैं, और बनने के बाद आपसे शेयर भी करते हैं। तो चलते हैं अपने न्यू रेसिपी की तरफ। ये हम लोग का रसगुल्ला खाने का मन था, तो रसगुल्ला बनाने की तैयारी हो रही थी, इसके बाद हम लोग बना के खाएँगे। डिनर हमारा है दाल की कुछिया, वो खाएंगे, और चावल फ्राई। तो बस यही हमारा ऑलमोस्ट पूरे दिन का काम था, तो हमने आपसे शेयर किया। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और पूरे दिन का मैंने रूटीन आपसे शेयर ही किया है, तो मैं ऐसे ही ब्लॉग लाती रहूँगी।
और चलते हैं, देखते हैं मैंने क्या रेडी किया खाना, बस वो और शेयर कर दूँ आपसे। ये चावल फ्राई हो गया है, इसके बाद जो थोड़े बहुत बर्तन बचे थे तो मैंने सोचा लाओ इनको धो दूँ जल्दी से, इनको मैं कर दूँ साफ़, यहाँ से क्लीन कर दूँ। फैला हुआ मुझे पसंद नहीं रहता, लगता है कि साफ़ कर दूँ तब बैठूँ, तो फिर ये मैंने बर्तन थोड़े से पड़े थे तो मैंने इसको साफ़ कर लिया। इसके बाद हमारी दाल कुचिया बॉयल हो रही थी, बन रही थी, तो उसको भी दिखाते हैं। इसको करने के बाद अब हम उधर ही चलते हैं, दाल कुचिया हमारी तैयार हो रही थी तो चलते दिखाते हैं आपको। ये देखिए कितनी बढ़िया तरीके से इसमें भी तड़का देंगे, तब ये ऑलमोस्ट तैयार हो गई। तो हम सोचते हैं अब यहीं से आपको एंड करते हैं। ये देखिए इतनी टेस्टी और यम्मी दाल कुचिया फ्राई, मतलब अच्छे से बॉयल हो चुकी है। अब इसमें हम तड़का देने जा रहे हैं, तो ये तेल गरम हो रहा है, इसमें बस प्याज लहसुन मिर्चा और ज़ीरा और हींग का तड़का है, इसको लगा देंगे फिर ये खाने के। ये तड़का लगाने के बहुत बहुत ही यम्मी और टेस्टी लगता है। तो बस अब यही हमारा डिनर है, तो यही हम अब आप देखिए और शेयर करिए और इंजॉय करिए, चलते हैं। हेलो गाइस, 24 दिसंबर को कुछ बच्चों के स्कूलों में, मतलब बच्चों को क्रिसमस से सेलिब्रेट कराया जा रहा है, बच्चे क्रिसमस बन रहे हैं, उसमें डांस होगा। तो इसी तरह मेरे ऊपर दो बच्चे रहते हैं, तो वो दोनों तैयार होके जा रहे हैं, तो उनका भी व्यू मैं दिखाती हूँ। और फिर मैं क्रिसमस से रिलेटेड और ये कपड़े क्लोथ्स बांटने वाला प्रोग्राम सब इसी में ऐड होगा, तो चलते हैं यहीं से, अपना ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं, देखते रहिएगा। ये देखिए दोनों आ गई हैं, कितनी अच्छी रेडी होके क्रिसमस सेंटा बन के आई हैं। और इन लोगों का मैंने कहा कि चलो तुम लोगों की रील्स बनाते हैं, कुछ डांस वगैरह करो, तो दोनों कर रही थी एक्साइटेड होके। तो देखिए आप, हेलो गाइस, आज मॉर्निंग का सेकंड डे है मेरा ब्लॉग का, तो दो ब्लॉग मेरे कंटिन्यू होके एक साथ आएंगे, तो प्लीज़ मैं यही दिखाना चाहती हूँ कि रेगुलर वही वर्क रहता है, तो आज का भी ब्लॉग मेरा यहीं से कंटिन्यू रहेगा, प्लीज़ सपोर्ट करिएगा, देखते रहिएगा। अभी उधर साफ़ सफाई देख रही हूँ, मैं किचन में खाना बनाने जा रही हूँ, तो ऐसे ही मिलके हम लोग दोनों काम कर लेते हैं। तो अब चलते हैं अपना आगे का काम, मैं क्या करने जा रही हूँ, दाल सब्जी खाना ये सब बनाऊँगी, तो फिर आगे का ब्लॉग मेरा यहीं से कंटिन्यू होता है। रोटी बनाने जा रही हूँ, रोटी बना के मैं अब आपसे आगे मिलती हूँ, तब तक के लिए। फाइनली रोटी बन गई है और ये चाय बन रही है, ये दूध खोलेगा,
इसके बाद अभी मुझे साग की सब्जी भाभी बनाएंगी और मक्के की थोड़ी सी रोटी। ये नहा के आ चुकी हैं, अब ये पूजा करेंगी, इसके बाद सब्जी बनेगी। आप देखेंगे पूजा राम दरबार में पूजा होने जा रही है। ये मक्के का आटा गूंथ रही हैं, इसी से बनेगी टेस्टी टेस्टी मक्के की रोटी। ठंडी में सभी को पसंद होती है और इसके साथ रसेदार सब्जी मिल जाए तो क्या बात ही है। यहाँ पे ढेर सारे कपड़ों की पोटली बंधी रखी है, तो ये आह्वान ट्रस्ट की तरफ से जो जो अपना डोनेट करना चाहता है वेस्ट कपड़े, तो उन्हीं की तरफ से ये सब है। अब आए हैं हम लोग फ्री होके कपड़े डालने ऊपर, थोड़ी देर धूप लेंगे। बहुत तेज धूप नहीं है पर हल्की हल्की धूप है। घर के जस्ट सामने बीवीएस स्कूल का गेट दिख रहा है, ये देखिए वीडियो बना। और ये खूबसूरत सा बरगद का पेड़,
आप लोगों को अभी मैंने इससे पहले थोड़े से कपड़े दिखाए थे, काफ़ी कपड़े थे वो झोले में जो दिख रहे थे। तो ये जो हमारी आह्वान ट्रस्ट है, ये ट्रस्ट हमारे है, इससे जितने लोग भी मतलब अगर जुड़ना चाहते हैं, आगे आना चाहते हैं, तो अपने घर के कपड़े जो भी आप लोग नहीं यूज़ कर रहे या एक्स्ट्रा हैं, तो आके प्लीज़ गरीब बच्चों को बांटिए। और ये हम कल 25 दिसंबर को ये कपड़े बांटे जाएंगे। और अगर आप लोगों को भी मदद करनी है उन लोगों की जो रोड पे बेचारे ठंडी में रहते हैं, उनके पास कपड़े नहीं, छोटे छोटे बच्चे, तो प्लीज़ आइए। बहुत बड़ी ये एक तरह से ट्रस्ट की तरफ से बहुत अच्छा काम हो रहा है, तो आप ही जुड़िए। तो चलते हैं, फिर ये ब्लॉग आगे कंटिन्यू होता ही रहेगा। छोटी रो रही है, उसके पापा जा चुके हैं, तो देखिएगा चुप रहना सब लोग, देखना कैसे रो रही है, अपनी मम्मा से कुछ कह रही है। हाँ, और कहाँ रह गई? आओ दिखाए, पापा तो है अंदर, मम्मी उल्लू। आओ पापा ऊपर है, तुमको गिफ्ट देंगे, आओ जल्दी, चलो इतना गुस्सा उनको बोलो कि इसके पापा आ जाएंगे। देखो ऊपर है पापा, चलो ये झूठ। मम्मा तो है, अरे ऊपर तो आओ, बोलो कब करेंगे, आज नहीं करेंगे, ट्रेन में है, बोलो छोटी। कह दो ना कि क्यों गए, पूछ लो। वो रो रही है, आप क्यों गए? आ रहे हैं। देखा कैसे रो रही थी उसके पापा, हफ्ते में एक दिन आते हैं और बाहर उनकी जॉब है, जॉब ऐसी ही होती है, बच्चे बेचारे पापा के लिए कैसे रो रहे थे, तो उसको समझा रही है उसकी मम्मा। ये हमारी बुआ सास आई थी, काफ़ी देर बैठी हम लोग से अच्छी अच्छी बातें की, खूब मज़ा आया ना इनसे पुरानी बातें करने में, काफ़ी देर थी तो मैंने चाय नाश्ता वगैरह बनाया, बुआ खाई, उस पर हम लोग ये सारी बातें करी, अच्छा लगता है, कभी कभी आती हैं इनके साथ, अच्छा लगता है बातें करना। शाम के चार बज गए हैं और चाय हमारी रेडी हो गई है, और अब शाम का काम भी स्टार्ट होता है, फिर मैं आपको दिखाऊंगी।
रात का डिनर तो तैयार हो गया है और अब हम लोग जा रहे हैं ऊपर दृष्टि और चिंटू के पास, वहाँ थोड़ी सी मस्ती करेंगे, तो वहाँ का मैं शेयर करूँगी। चलते हैं, शैतानी करो तो तुम्हारी वीडियो बनाए। अपने पापा को लगती है वहाँ गाँव में कोई देखेगा ना तो कहेगा कि फलाने का लड़का है, फलाने का लड़का कहेगा, कोई नहीं जानता। इसके बुआ को कहेगा तुम्हारा जो भतीजा है ना। हेलो, गुड मॉर्निंग, आज है मैरी क्रिसमस, सभी को मैरी क्रिसमस। सुबह हो गई है, नाश्ता वगैरह का काम शुरू हो गया है। ये देखिए पराठा बनाने जा रही हूँ। और इसके साथ क्या रहेगा? इसके साथ आलू मटर की सब्जी रहेगी, चटनी रहेगी। वाह, बहुत यम्मी बनने वाला है, तो चलते हैं, यही आज क्रिसमस के नाश्ता अच्छा अच्छा शुरू होने वाला है। आगे का ब्लॉग मैं आपको कंटिन्यू करूँगी, फिर चलते हैं। ये बच्चे ट्यूशन की तरफ से जा रहे हैं पिकनिक मनाने कंपनी गार्डन, तो ये सब जा रहे हैं आज 25 दिसंबर को सेलिब्रेट करने। वही ये सब जा रहे हैं तैयार होकर अपनी मम्मा के साथ। ये देखते हैं, हेलो गाइस, आज आपने देखा है कि आरजे निवेश मेरे घर आए थे और वो भी आवाहन ट्रस्ट के लिए सपोर्ट करने आए थे। तो जतिन जो मेरा भतीजा है वो क्या कहते हैं कि उसने ये आवाहन ट्रस्ट की तरफ से इतना बड़ा काम किया है गरीब बच्चों के लिए ठंड में कपड़े बांटने का, तो वही आरजे निवेश आए थे, उन्होंने सपोर्ट किया और वो भी साथ में गए हैं बांटने। तो देखिए मैं आगे का वीडियो कंटिन्यू करती हूँ, पूरा व्यू आपको इसमें।
नमस्कार, प्रयागराज 92.7 पे के FM से मैं हूँ आरजे निवेश। और इस सर्दी के मौसम में, सर्द रातों में मैं आपसे कई बार ऑन एयर ये चीज कह चुका हूँ कि हम लेकर आ गए हैं पिकतरिया दिली, यानी कि आपके प्यार की, अपने पन की गर्माहट जो आपके गर्म कपड़ों के जरिए उन तक पहुँचाएंगे जो इस वक्त इस सर्द रात में मजबूर है बिना कपड़ों के ठंड में अपनी जिंदगी को बिताने के लिए। और इसीलिए हमारे साथ दो NGO शामिल हुए हैं, आवाहन हमारे साथ है, संस्कृति हमारे साथ है, और दोनों ने मिलकर हमारे साथ ये फैसला किया है कि इन सर्द रातों में आपके एहसास की गर्माहट जो है ना, वो कपड़ों के जरिए आपके अपने कपड़े जो आपने इस्तेमाल करना बंद कर दिए हैं वो उन तक पहुंचाने की जिम्मेदारी उठाई है। ये पूरी टीम आप देख सकते हैं मेरे साथ मौजूद है, और यहाँ पे कई सारे कपड़े भी हैं जो इस पूरे कार में भरे हुए हैं और आज हम ये बांटने जा रहे हैं। तो जतिन, मुझे बताओ कि किस तरह से आपने ये कपड़े इकट्ठे किए और क्या सोचा था आपने अपनी टीम में? मैं जतिन यादव, फाउंडर आवाहन ट्रस्ट। हम लोगों ने जब ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन कराया था तो रजिस्ट्रेशन कराने पहले जो ये सोच हम लोगों के पास आई कैसे, तो हम लोग होता क्या था सर, अपने काम के सिलसिले में हम लोग रात में जब कभी घर वापस आते थे तो लोगों को हम लोग ठंड में देखते थे। फिर उसके बाद हम लोगों को कहीं ना कहीं ये हुआ कि जब अगर हमारे पास कपड़े मौजूद है तब पर हम लोग को उनका सामना करना पड़ रहा है, जिनके पास नहीं है तो उनको कितना सामना करना पड़ रहा होगा। फिर हम लोगों ने ये सारी चीज़ों को एक पोस्टर के थ्रू सर्कुलेट किया हर जगह, फिर लोगों के रिस्पॉन्स उससे काफ़ी अच्छे है। फिर हम लोगों को लगा कि ये काम इस बार हम लोग फंड में करें। फिर उसके बाद हमारा मीडिया पार्टनर BFM निवेश जी के साथ ही हम लोगों ने प्लान किया इस चीज़ों को, और आज हम लोग 25 दिसंबर को इस इवेंट को बिल्कुल करने जा रहे हैं। और ये पिकतरिया दिल्ली सिर्फ हमारी नहीं है, आपकी भी दरिया के लिए है, क्योंकि बहुत सारे कपड़े हर किसी के घर में मौजूद है, बस हम उन्हें निकाल के किसी तक पहुंचाने की जहमत नहीं उठाते, और आज ये काम हमें करना है। हमारे साथ जितने लोग हैं आप उनको देख लीजिए, अनुरागी भाभी है हमारे साथ, संस्कृति जो NGO हमारे साथ NGO पार्टनर के तौर पर शामिल है, उनकी तरफ से भी कई सारे कपड़े आए हैं जिनको हम आगे आने वाले दिनों में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो भाभी, क्या सोचना है आपका इस इनिशिएटिव के लिए? देखिए, BFM को पहले तो मैं थैंकफुल बोलूँगी कि उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है, और आज ये निवेश ने इस कार्य को आगे बढ़ाने में BFM के साथ उन लोगों को भी जोड़ने का प्रयास किया, इसके लिए उनका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। और ये एक बहुत अच्छी पहल है कि कई बार ऐसा होता है हमारे पास कपड़े बहुत सारे इकट्ठे होते हैं और हमें लगता है कि अभी ये कपड़ों की ज़रूरत अब हमें नहीं है, और वो कपड़े ऐसे ही पड़े रह जाते हैं, लेकिन हमें समझ में नहीं आता कि हमें इसका करना क्या है। जब आपसे बात हुई तो आपने इस चीज़ को कहा कि नहीं, हम लोग इसको एक कुछ नीडी पर्सन तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे, तो हमने उन कपड़ों को अपने थ्रू एक लिंक शेयर करके लोगों से कहीं ये अनुरोध किया कि आप लोग अपने अनयूज्ड कपड़े मुझे हमें ला करके दें, और उसको हम बाकायदा अच्छी तरीके से पैक करा करके लोगों तक पहुंचाएंगे, जिससे उन्हें भी जब ये कपड़े मिलेंगे और सर्दियों में ये गर्म कपड़े उनको मिलेंगे और वो पहनेंगे तो निश्चित तौर पर उनको बहुत ही अच्छा फील आएगा कि चलो कोई तो है जो हम लोगों के लिए भी सोचता है। तो एक बार पुनः मैं BFM और RJ निवेश को धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है इसके लिए। थैंक यू। तो ये जो गर्म सैनिटाइज कपड़े हमारे पास आ गए हैं बिग दरिया दिल्ली के इनिशिएटिव में, जो आवाहन ट्रस्ट की तरफ से आए हैं, इनको बांटने का काम शुरू करते हैं, और आप भी इस वीडियो के जरिए हमारे साथ बने रहिए, और आपके घर में जो कपड़े हैं वो या तो उन तक पहुंचाइए या उन तक पहुंचाइए उनको इन सर्द रातों में उनकी जरूरत है, और बिग दरिया दिल्ली में शामिल हो जाइए।
एक एक लोगों को बुलवा लो, नहीं तो एक एक लोग आगे आते जाओ, साइज के साथ देख के देते जाओ। थोड़ा जगह दी।